Welcome to Freedom Ride 2020. This ride is message for all. Never look back, never feel tired. When we believe in us, we can reach the heights. अंदर की खुशियां हैं, बातों का दौर है, रास्ता भी लंबा है, जाना भी दूर है, मौसम महूल है, खुशियां भी आम हैं, soulful ride है, joyful pride है, fitness के freak है, Indiana weak है, बात unity के ऊपर, unity strength है, साथ में रहना real content है, जो कि 200 किलोमीटर की ride को माता की जय। सब जा चुके हैं, फ्रीडम राइड 2020 ने हिला के रख दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रीडम राइड 2020 फ्रॉम यमुनानगर टू चंडीगढ़। तो बहुत दूर है, सफ़र भी बहुत दूर है, इट्स ओके। बट राइट नाउ हम चल पड़े थे अराउंड 2:30 के करीब मॉर्निंग में, और मैं आज फिर से जा रहा हूँ गो ग्रीन क्लब के साथ, जो कि 200 किलोमीटर्स की राइड को कंप्लीट करेंगे, और लेट्स सी कैसा रहेगा। एंड अभी हम हैं यहाँ पे टोल पे गदोली जगह के आसपास, और वेट कर रहे हैं गो ग्रीन क्लब का सारे मेंबर्स का कि हम सब कनेक्ट होंगे यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम ब्रो? दीप गेरा जी। एंड दीज टू साइकिल्स, एंड वी आर वेटिंग फॉर मोर लाइक दिस एंड दीज सोल्स दैट बिलीव इन राइडिंग पैडलिंग। हाउ आर यू ब्रो? हाँ जी, क्या गाइस, फाइनली सारी टीम आ चुकी थी और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी यमुनानगर से चंडीगढ़ की। जैसे ही मुझे पता लगा कि डबल सेंचुरी राइड ऑर्गेनाइज हो रही है और मुझे डबल सेंचुरी राइड भी करनी थी, तो मैंने ये क्लब ज्वाइन कर लिया। हमने अपना फर्स्ट स्टॉप 35 किलोमीटर्स के बाद किया था। ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था जो कि हमने 35 किलोमीटर्स के बाद लिया था। अभी भी बहुत जर्नी पड़ी थी गाइस, यहाँ हम थोड़ी देर रुके और फिर हम चल पड़े। तो ये जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर आप सोलो डबल सेंचुरी राइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा गाइस। जैसे कि आपको अपनी साइकिल ठीक करनी आनी चाहिए, राइट टाइम और लोकेशन चूज करनी है आपको, और वेदर को जरूर चेक करके जाना है गाइस, चाहे आप सोलो जा रहे हैं या ग्रुप में। कितना किया है आगे से यहाँ से? कितना किया है? 35 किलोमीटर तो 30 बोल दो, पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यमुनानगर टू चंडीगढ़ का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 100 प्लस किलोमीटर है, आना जाना ऑलमोस्ट 200 प्लस किलोमीटर पड़ेगा। मैं बहुत एक्साइटेड था ये जर्नी के लिए, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट डबल सेंचुरी राइड था। जो भी लोग डबल सेंचुरी राइड करने की सोच रहे हैं, मैं उनको 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट कि हर चीज अपनी लेके जाएं, किसी पे भी निर्भर ना हो। सेकंड पॉइंट, अपनी व्हाट्सएप की लोकेशन, लाइव लोकेशन अपने नियर डियर को सेंड करें। थर्ड पॉइंट, अपना ग्रुप सोच समझ के सिलेक्ट करें। अगर आपने ये 3 चीजें ढंग से कर दी, आपको डबल सेंचुरी राइड करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की जय। तो गाइस, यहाँ से जा रहे हैं हम पंचकुला की रोड पकड़ी हुई है, और लेट्स सी, राइड ऊपर नीचे बहुत है, सीन बड़े खतरनाक है। ये सीन चल रहे हैं आगे। देखो जी, हिल्स नज़र आने लग गए हैं ध्यान से, अगर आप देखो तो ये रे मज़ेदार। ऑलमोस्ट यहाँ से 40 km रह गया होगा।
इसका एक है। कड़क धूप है, कड़क धूप, क्या बोलती हो अपने। चला रहे हैं, 25 किलोमीटर रह गया, हाफ जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक तो ठीक चल रहा है। राइड हाफ वे डन होने जा रही है, सब इकट्ठे हो गए। ओके, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रह गया और 17 सेक्टर जाने की कोशिश होगी। अब ऑलमोस्ट हाफ वे डन कर दिया। ये यहाँ की इसकी ग्रुप की पहली है ना, पहली 200 है ना, फर्स्ट है ना, तो गो ग्रीन क्लब की फर्स्ट 200 में शामिल हम इस टाइम। ब्यूटीफुल, 10 किलोमीटर्स लेफ्ट, लास्ट, हाँ लास्ट 10 किलोमीटर लेफ्ट एंड हाफ वे डन। आपको स्पॉट पे दिखाते हैं क्या सीन रहेंगे। चंडीगढ़ एंटर कर चुके हैं गो ग्रीन क्लब के साथ। भारत माता की जय। चंडीगढ़ रोड है और 28 सेक्टर पहुंचेंगे इस रूट से। चंडीगढ़ वाकई में बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया रोड हैं साइकिलिंग करने के लिए, मस्त मज़ा आ गया। ऑलमोस्ट यही लैंडे की सड़क है, लेट्स सी हाउ इट विल गो। ओनली अनदर 4 km लेफ्ट। फाइनली लैंडे मॉल पहुंच गए, मींस चंडीगढ़ पहुंच गए। 100+ km कर दिए। देखो भैया सबका क्या सीन चल रहा है। जल्दी आना, जल्दी आना। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू बॉस। थम्स अप, थम्स अप। थोड़ा सा रिस्पांस करें, सारे आ जाओ उधर, बस आओ जाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो फाइनली गाइस, हम सब ने 100 किलोमीटर प्लस अचीव कर दिया था। हम इलांटे मॉल के बाहर खड़े थे, बट समहाउ सब ने वापस जाने का सोचा क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी गाइस। बट मैंने चाहा कि मैं करूं राइड अपना कंप्लीट जितना हो सकता है। भैया बिजनेस कर रहे हैं और हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, तो वापसी की जर्नी हो रही है चंडीगढ़ टू यमुनानगर और ब्यूटीफुल सीन चल रहे हैं, रिवर साइड और हिल्स, ब्यूटीफुल। और भाई हमारे साथ जिसने रास्ता भी दिखाया और राइड पे भी आ रहा है। और इनका पंचकुला भी कर रहे हैं, तो ये मुड़ जाएंगे और फिर मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। वाओ, लुक एट द व्यू। चलो आगे देखते क्या आएगा, बड़ी लंबी राइड है, ऑलमोस्ट 92 किलोमीटर्स है फ्रॉम हियर, 91।
यमुनानगर, यमुनानगर 91। All right, तो ये चलते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट 10-15 किलोमीटर में क्या होता है। गाइस धूप इतनी ज़्यादा थी कि मेरे से राइड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ओ गाइस अभी 20 किलोमीटर चला हूँ, ऑलमोस्ट 80-81 किलोमीटर रह गया और 7 हो रहा है। गन्ने का जूस पियेंगे, एनर्जी लेंगे, फिर यहाँ से मे बी ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर में रुकेंगे। अभी मैंने कुछ 40 किलोमीटर्स की राइड करी रुक रुक के, और फिर थोड़ा सा चलने के बाद मुझे फाइनली लिफ्ट मिल गई गाइस। भाई धूप इतनी धूप थी, ज़्यादा धूप मार खराब हो गया था। अनिल भाई और सुनील भाई ने मुझे हेल्प कर लिया, जान बच गई थी इतनी धूप थी। फ्रीडम राइड 2020 ने हिला के रख दिया, इस राइड से ही नहीं फ्रीडम मिल रही है तो क्या करें। चलो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपने सीखा है इस वीडियो से। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले के भक्त रहो। जय भोले की। Happiness, joyful life is everyone's dream. There should be no sorrow, no fights.